Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Waqas Aziz. आज हम अपना दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी. तो वेरियस फील्ड्स और ब्रांचेस में फिलोसफी की छह मेन ब्रांचेस आती हैं जिसको पढ़ा जाता है, जो कि राउंड अबाउट पूरी फिलोसफी को कवर कर देती है. यानी ये छह मेन ब्रांचेस जो है पिलर है. पहली आती है मेटाफिजिक्स, दूसरी आती है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरी आती है एथिक्स, चौथी है पॉलिटिकल फिलॉसफी, पांचवी है एस्थेटिक्स और छठे नंबर पे है लॉजिक. तो आप इन ब्रांचेस को अपने पास नोट कर लें, हम वन बाय वन हर ब्रांच को डिस्कस करेंगे. जी, तो सबसे पहले आता है मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ रियलिटी को. ये दोनों सेंस में डील किया जाता है, इसको नैरो सेंस में भी ब्रॉडर सेंस में भी. नैरो सेंस में इससे मुराद होती है रियलिटी बियॉन्ड यूनिवर्स, ये फाइंड आउट करना कि बियॉन्ड यूनिवर्स क्या रियलिटी है. ब्रॉडर सेंस में ओरिजिन, नेचर एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स आते हैं. और जो बेसिक क्वेश्चन है मेटाफिजिक्स का वो है व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या. इसको अभी हम मेटाफिजिक्स की सब कैटेगरीज को देखेंगे कि कौन सी सब कैटेगरी किस चीज के साथ डील करती है. जी, तो मेटाफिजिक्स की ये सब कैटेगरीज हैं जो क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्स और क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी को मुख्तलिफ तरह से डील करती हैं. इनमें कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स को. इसमें फिर हम देखते हैं फिजिकल कॉस्मोलॉजी, कि एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, किस तरह इवॉल्व हुई, किस तरह फॉर्म हुई, ओरिजिन क्या था. बिग बैंग कॉस्मोलॉजी बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू एक्सप्लोजन. एक ये डेफिनेशन भी है यूनिवर्स को बताने की कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. एक आती है रिलीजियस कॉस्मोलॉजी. वेरियस रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है यूनिवर्स को लेकर, उसकी यूनिवर्स की फॉर्मेशन और एग्जिस्टेंस को लेकर उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हैं. फिर उसके बाद आती है ऑन्टोलॉजी. यह है स्टडी ऑफ बीइंग, BEING, स्टडी ऑफ बीइंग. इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड को पढ़ा जाता है, नेचर ऑफ गॉड को पढ़ा जाता है कि गॉड उसका क्या नेचर है. ऑन्टोलॉजी. फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस, इसमें वेदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड, हमारे माइंड से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं टाइम और स्पेस या कर रहे हैं, या वेदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. तो ये चीज फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस में देखी जाती है. उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उनके डिफरेंट रिलीजियस लॉज होते हैं. तो वेरियस थियोलॉजिकल कंसेप्ट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं, वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस लॉज डिस्कस की जाती हैं, और फॉर्म्स ऑफ रिलीजन. रिलीजन डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करता है, जैसे मोनोथीज्म है, एक गॉड पे यकीन रखना, पॉलीथीज्म है, एक से ज्यादा गॉड पे यकीन रखना, डीज़म है कि गॉड को एज अ ट्रांसडेंटल, कि वो यूनिवर्स के अंदर उसका कोई रोल नहीं है, वो यूनिवर्स से बाहर है. तो सबसे पहले के एक चीज के मैं जो ये भी कॉन्सेप्ट्स आप उनको पढ़ाऊंगा, बीच में जाहिर है रिलीजन का भी होगा, तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी रिलीजियस की सेंटिटी को हर्ट नहीं करना है. सिर्फ रिलीजियस उसके लिए क्या नाम है, फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स को एलाबोरेट करने के लिए है. तो ये किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक इसका मतलब नहीं है कि हम ना किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो ये हो गए.
अब इसके बाद इसको नोट कर लें, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन सब डेफिनेशंस के बाद हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस क्या आते हैं मेटाफिजिक्स के। ये जो अभी हमने मुख्तलिफ सब कैटेगरीज पढ़ी, इसके बाद बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस मेटाफिजिक्स के जो आप निकलते हैं, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी है क्या, इज रियलिटी सम काइंड ऑफ थिंग, is reality one or is it many, how reality is related to many things around us, can ultimate reality be grasped by five senses। तो ये इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद हम जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको देखेंगे कि वो क्या कहती है। जो सेकंड ब्रांच है फिलोसफी की वो है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ओरिजिन, नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, इस चीजों को डिस्कस किया जाता है। अब इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं एपिस्टेमोलॉजी के, व्हाट इज नॉलेज, How knowledge is acquired? Knowledge हम कैसे हासिल कर सकते हैं? Can we be really certain of anything? क्या हम किसी भी चीज के बारे में completely certain हो सकते हैं? इनके अलावा epistemological theories होती हैं जो कि हम epistemology में discuss करते हैं, वो है, वैसे तो बहुत सारी लेकिन मैंने सिर्फ कुछ लिखी हैं, empiricism, idealism, skepticism, rationalism, constructivism, etc. वगैरह वगैरह। तो ये एपिस्टेमोलॉजी का एक ओवरव्यू था जो सेकंड ब्रांच है फिलॉसफी की। इसके बाद हम थर्ड ब्रांच पे जाएंगे जो कि एथिक्स है। जी तो थर्ड ब्रांच जो है एथिक्स की वो है स्टडी ऑफ एथिकल वैल्यूज, मॉरल स्टैंडर्ड्स, मॉरल नॉर्म्स, मॉरल जजमेंट्स, इसको कहा जाता है एथिक्स। अब इसमें कंसेप्ट्स क्या क्या आते हैं एथिक्स के अंदर, हम राइट्स को डिस्कस करते हैं, ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं, गुड वैल्यूज को डिस्कस करते हैं और बैड वैल्यूज क्या होती हैं उसको भी डिस्कस किया जाता है। इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, काफी हैं, लेकिन कुछ मैंने जो यहाँ पे एज एग्जांपल के तौर पे लिखी हैं वो है यूटिलिटेरियनिज्म, मॉरल रेशनलिज्म, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स। अब एथिक्स और मॉरलिटी में डिफरेंस है, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। एथिक्स और मॉरलिटी में डिफरेंस है, एथिक्स इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, जैसे मैं हूं, मेरा एथिकल करेक्टर क्या होगा, मेरा एथिक्स क्या है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। मॉरलिटी सोसाइटी की होती है, पूरी सोसाइटी की। एथिकल वैल्यूज रिमेन सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो एथिकल वैल्यूज हैं जैसे कि झूठ नहीं बोलना है और अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो सेम रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मॉरलिटी वेरीज इन डिफरेंट सोसाइटीज, जो मॉरल लॉज हैं वो वेरी करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि जैसे ड्रिंकिंग है, शराब पीना, आप अमेरिका में चले जाएं तो एक सर्टन एज के बाद आपको परमिट मिल जाता है शराब पीने का, लेकिन पाकिस्तान की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो इस चीज को मना करती हैं कि आपने, बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि आपने शराब नहीं पीनी, क्योंकि इसको इमोरल एक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान की मॉरलिटी है कि वो शराब पीने की इजाजत नहीं दे रहा, अमेरिका की मॉरलिटी है कि वो एक सर्टन एज के बाद शराब पीने की इजाजत दे रहा है। एथिक्स कहां पे है कि एक बंदा यहां से उठ के, पाकिस्तान से उठ के अमेरिका जाता है और वो उस एज लिमिट में भी है जब शराब पी जा सकती है लेकिन वो नहीं पीता, अब वहां की मॉरलिटी को भी वो वायलेट नहीं कर रहा और अपने एथिक्स का भी मुजाहरा कर रहा है कि वो शराब नहीं पीगा। और एक दूसरा बंदा है वो यहां से उठ के जब अमेरिका जाता है तो वहां पे क्योंकि सर्टन एज के बाद शराब पीने की इजाजत है तो वो जाके शराब पी लेता है, अब उसने काम जो है वो इनएथिकल किया लेकिन वहां की मॉरलिटी को उसने
बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कोई इमोरल एक्ट नहीं किया। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग पे जाएंगे जो कि है चौथी ब्रांच फिलॉसफी की। इसके बाद जो चौथी आती है ब्रांच फिलॉसफी की वो है पॉलिटिकल फिलॉसफी, डील्स विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आते हैं, अथॉरिटी, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल लॉज, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी इन चीजों के साथ डील करती है कि एक स्टेट को रन करने के लिए क्या लॉज होने चाहिए, वहां पे अथॉरिटी का स्टेटस क्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी किसके पास होनी चाहिए, लिबर्टी किस तरह की होनी चाहिए लोगों की, पॉलिटिकल लॉज क्या होने चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन रूल है, तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए। तो ये है पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके बाद हम अगली ब्रांच की तरफ जाते हैं। पांचवी ब्रांच जो है फिलॉसफी की वो है एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिक्स डील्स विद दोज वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन आर्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी। इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो है व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ब्यूटी टू आर्ट, व्हाट आर दोज स्टैंडर्ड्स थ्रू व्हिच आर्टिस्टिक वर्क मे बी जज्ड एंड व्हाट आर एस्थेटिक वैल्यूज। तो फिलॉसफी एस्थेटिक्स के साथ भी डील करता है, इसकी एक ब्रांच है एस्थेटिक्स, तो कि आर्ट है क्या, ब्यूटी क्या है, इसके साथ भी फिलॉसफी डील करता है। अब जो लास्ट ब्रांच आती है फिलॉसफी की वो है लॉजिक, डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर राइट रीजनिंग। कि किसी भी चीज पे आर्ग्यूमेंट करना है तो उसके लिए राइट रीजनिंग क्या हो सकती है। लॉजिक इज अ टूल विच फिलोसफर्स इंप्लॉय एज दे सेट अबाउट टू इन्वेस्टिगेट वेरियस इश्यूज। अब लॉजिक के अंदर हम लॉजिकल फेलेसीज पढ़ते हैं जो कि मेरी अगली वीडियो भी उसी के ऊपर होगी। लॉजिकल फेलेसीज वो होती है कि जो आर्ग्यूमेंट आप पेश करते हो उसके अंदर कोई फ्लॉ हो किसी किस्म का, फेलेसी कहते हैं एरर को, मिस्टेक को, कोई फ्लॉ होना। तो जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है उसके अंदर किसी किस्म का फ्लॉ हो। मेरी अगली वीडियो में जब हम लॉजिकल फेलेसीज पढ़ेंगे तो इसमें हम 16 फेलेसीज पढ़ेंगे जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ये फेलेसी कमिट करते हैं इन वन वे और अदर वे, हमारा आर्ग्यूमेंट वीक होता है क्योंकि हम इन फेलेसीज को कमिट कर रहे होते हैं। तो ये 16 फेलेसीज हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसके अलावा आते हैं लॉजिक में पढ़ा जाता है लॉजिकल मेथड्स को, कि राइट रीजनिंग और सही तरह से एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डायलेक्टिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसी तरह फेबुलिस्टिक मेथड है, तो बहुत से हैं। तो इन सब को हम कवर करेंगे, लेकिन अगली जो मेरी वीडियो होगी वो फेलेसीज के ऊपर होगी, उसके बाद हम मेथड्स के ऊपर भी आएंगे। तो ये फेलेसीज का मैंने इसलिए सोचा कि इसको हम लोग पढ़ें पहले, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो हमारे दोस्त कर रहे हैं, हम गलत आर्ग्यूमेंटेशंस करते हैं। और यही चीज जैसे सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, जब वो राइटिंग में करते हैं तो वहां पे फिर उनका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता है। तो हम इस फेलेसीज को कवर करेंगे। ये 6 ब्रांचेस थी जो हमने पढ़ी फिलॉसफी की। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने नोट्स बनाएं और इनको रिवाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन बना हुआ है वहां से आप लोग नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि मेरी जो नई लेक्चर्स आए तो वो आप लोगों को उस टाइम उनका नोटिफाई कर दिया जाए।